हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है स्केल। सो गाइस, जैसा पिछली वीडियो में मैंने आपको स्केल के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी थी, तो आज मैं उनके टैब्स में से प्लेन स्केल लेके आया हूँ। पहले हम प्लेन स्केल के बारे में जानेंगे, उसके बाद एक प्रॉब्लम लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे और प्लेन स्केल कैसे बनता है वो बताएंगे। तो गाइज, लेट्स स्टार्ट वीडियो। सो गाइज, प्लेन स्केल होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पहले इस स्केल के द्वारा एक या दो यूनिट में इसके डेसिमल पॉइंट तक माप ली जा सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर, ईटीसी। सो गाइस, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। इसमें एक प्लेन स्केल बनाना है जिसका आरएफ दिया गया है 1/50,000, और इस स्केल में हम 8 किलोमीटर की अधिकतम दूरी पढ़ सकते हैं और इसमें हमें शो करना है 6 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर। सो गाइज, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आरएफ का फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। गाइज, हमें आरएफ दिया गया है 1/50,000, तो सबसे पहले हम स्केल की लेंथ निकालेंगे। सो गाइज, लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू होता है हमारा आरएफ इंटू मैक्सिमम लेंथ टू बी मेजर। जितना आरएफ दिया गया है और जो हमें डायमेंशन मापनी है, तो आरएफ हमारा है इंटू मैक्सिमम जो लेंथ पढ़नी है हमें या मापनी है वो है हमारी 8 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को हम पहले तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। यहाँ पर ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। स्केल की लेंथ आ गई हमारी 16 सेंटीमीटर। सो गाइज, सबसे पहले हम एक 16 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे, इसके बाद नीचे के लिए 15 mm ले लेंगे हम, इस तरह से बना लेंगे इसको हम। अब इसके बाद गाइज, इस 16 सेंटीमीटर को हमें 8 बराबर भागों में डिवाइड करना है। इसके लिए मैं एक एक्यूट एंगल बना लूंगा और इस एक्यूट एंगल को बराबर 8 भागों में डिवाइड करूंगा डिवाइडर की सहायता से। इस प्रकार यह लाइन 8 भागों में डिवाइड हो गई है। लाइन को डिवाइड करने के लिए मैंने सबसे पहली वीडियो बना रखी है और सारा कुछ मेथड बताया है उसमें कि एक लाइन को किस तरह से डिवाइड किया जाता है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। सो गाइज, इसके बाद हम लास्ट पॉइंट को एंड पॉइंट से मिलाएंगे और ड्राफ्टर को सेट करके पैरेलल लाइनें खींचेंगे। इस प्रकार से कंटिन्यू करते रहेंगे इसे। सो गाइज, कितनी आसान तरीके से ऊपर वाली लाइन डिवाइड हो चुकी है। अब इन लाइनों को वर्टिकल खींचेंगे, अब इन पॉइंटों को डिनोट कर लेते हैं। सो गाइज, इस प्रकार से हमारा एक खाना 1 किलोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमें हेक्टोमीटर भी पढ़ना है, तो एक खाने को हम 10 हेक्टोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर होता है। सो गाइज, एक एक्यूट एंगल और बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 भागों में डिवाइड करने के लिए। सो गाइज, ये भी 10 भागों में डिवाइड हो गया है। अब लास्ट कॉर्नर को लास्ट पॉइंट से मिलाएंगे और इसी प्रकार कंटिन्यू करेंगे। सो गाइज, ये एक कॉलम 10 बराबर भागों में डिवाइड हो चुका है। ये हमारे किलोमीटर्स हैं जो आपको दिख रहे हैं बड़े खाने, और ये छोटे खाने हेक्टोमीटर्स हैं। एक छोटा खाना 1 हेक्टोमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। सो गाइज, इस प्रकार हमारा एक प्लेन स्केल तैयार हो गया है। अब इसमें हमें जो
डिस्टेंस शो करनी है वो डिस्टेंस शो करते हैं। 6 किलोमीटर हमारा यहाँ पे होगा, 7 हेक्टोमीटर यहाँ दिखाई देगा, तो इसीलिए हमें जो डायमेंशन शो करनी है 6 किलोमीटर 7 हेक्टोमीटर। सो गाइज, वीडियो कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आते रहेंगी। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।